mấy những năm con mình được dứt cuộc một một mai nhở anh chỉ nát cùng nhau nên cái cuộc यहाँ नॉर्थ ईस्ट में 200 से ज़्यादा ट्राइब्स हैं, 200 से ज़्यादा ट्राइब्स हैं यहाँ पे। हर ट्राइब का अलग कल्चर, अलग डांस फॉर्म। सो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप भी बढ़िया होगे। तो आज मैं इस गांव का नाम मैं भूल गया फिर से। गांव का नाम काबू। हाँ, काबू विलेज। आज मैं हूँ काबू विलेज में। कल शाम को मैं यहीं पे आया था और जो यहाँ के हेडमैन है गाँव बूढ़ा, इनके पास आया और इनसे बात किया कि मुझे ना कैंपिंग के लिए जगह चाहिए। तो इन्होंने बोला कि नहीं यार, कि तुम लोग मतलब तुम क्या काम करोगे? यहीं पे रूम खाली, यहीं पे रुक जाओ। उन्होंने थैंक यू, आपका नाम बता दिए सर। सो इनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे कमरा दिया रहने के लिए। और अभी हम लोग चाय पी के चलेंगे, कुछ वहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस दिखाऊंगा आपको और कुछ और दिखाऊंगा, बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ आपको। सो अभी चाय पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। उसके बाद फिर वापस आके खाना खाएगा। हाँ, खाना खाऊंगा वापस आके और फिर आपको दिखाऊंगा खाना, कैसा खाना यहाँ पे बनता है। ठीक है, चलो भाई। ये जो गांव है, यहाँ पे जो ट्राइब है वो रहते हैं गालो, और ये जो आपको ड्रेस दिख रहा है गालो ट्राइब का ड्रेस है। हम जा रहे हैं कम्युनिटी हॉल में, वहाँ पे बहुत लोग वेट कर रहे हैं ना। चलते हैं गालो ट्राइब को, आज देखते हैं गाइस कैसा है इनका ट्रेडिशंस। चलो, यहाँ कम्युनिटी हॉल, इसको बोलते हैं नाम घर, और यहीं पर सब लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। और वो झंडा है भाई, देखो डोनी पुल का झंडा है। चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा माहौल बना हुआ है। हेलो, हाय, हाय, हेलो, हाय, हाय, हाय। सब भाई लोग यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। यहाँ का जो ड्रेस है, ट्रेडिशनल ड्रेस है नामघर, यहाँ पे जो भी इवेंट का होता है, प्रोग्राम होता है, सब इसी में होता है। और जो गालो ट्राइब है, मैंने रात को बोला था कि मुझे कुछ देखना है, कल्चर का कपड़ा देखना है, तो इन्होंने पूरा मतलब बहुत सारे लोग आ गए हैं मतलब कपड़ा पहन के। तो जल्दी देखते हैं, अभी सब प्लान कर रहे हैं। सब बहुत खुश लग रहे हैं यार, सबको मतलब लग रहा है कि यूट्यूबर आया कवर करने के लिए। तो मुझे कभी अच्छा लग रहा है कि नहीं यार, करते हैं कवर, इनको भी बहुत उम्मीद है। चलो यार, मेरा वीडियो यूट्यूब पे आएगा, चलो करते हैं। सो गाइस, ये यहाँ पे कल्चरल डांस है जो आप देख रहे हो।
मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, जो लैंग्वेज है गारो लैंग्वेज मैं समझ नहीं पाता हूँ। और ये अलग ट्राइब है गारो ट्राइब, जो कि उनका ये कल्चरल डांस है, ये कल्चरल ड्रेस पहन कर रहे हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है यार इनका जो सुन के, म्यूज़िक अलग है, डाव से जो म्यूज़िक कर रही हैं। इनके हाथ में जो है वो डाव है, ये डाव से वो म्यूज़िक दे रही हैं, डाव से म्यूज़िक दे रही हैं। और अलग है यार, थोड़ा डिफरेंट है बाकी ट्राइबों से, डिफरेंट है। हिलोगे पोनू मोना मिंगोनु के ओयो है यही कोई उम्मीद के मेंबर ना मैं इज़ ना कौन मैं तो जिक पिको कुम्बक माहिन्यो आज ना कौन जो मेंगे कुको इसका नाम ओयो है या आना भी मेंबर ना मैं ओयो है या। इस गाने का जो डांस फॉर्म था उसका नाम यही था। चलिए अब एक और डांस देखते हैं, राउंड राउंड वाला डांस फॉर्म वो भी करेंगे ये लोग। चलिए हाँ कोई हाँ राउंड वाला ठीक है। ये थोड़ा अलग डांस फॉर्म है, मतलब ये लोग गोल गोल घूम के कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है यार लोग, मतलब कोऑपरेटिव है काफी। गालो ट्राइब, गालो ट्राइब। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में 200 से ज़्यादा ट्राइब्स हैं, 200 से ज़्यादा ट्राइब्स हैं यहाँ पे। हर ट्राइब का अलग कल्चर, अलग डांस फॉर्म, अलग है यार। तो मज़ा आ रहा है यार ये गारो ट्राइब के बीच में आके, ऑसम। और बहुत अलग बात है कि अपने दाव से जो तलवार है दाव, उनसे म्यूजिक दे रही है वो यहाँ पे। ऑसम है, मज़ा आ रहा है। सो भाई ये जो कपड़े हैं यहाँ का गालो ट्राइब का, जो ये ट्रेडिशनल वियर है, इनके बारे में कुछ जानते हैं, पूछते हैं। दीदी बताइए कुछ इसके, जो लॉकेट है और ये जो ग्रीन ड्रेस है, इसके बारे में। इसका तो ये हार बले बोलता है इसको। हाँ, हार, 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 हार बले। ये दोंग बले, दोंग दोंग बले, बले दोंग बले। हाँ इसका ये दूली बोलता है। हाँ दूली, दूली। ओके, हाँ। और ये दोकपिन, दोकपिन। हाँ हम लोग का मलाना दोकपिन। और ये उगी, ये जो बेल्ट है क्या बोलते हैं, बेल्ट। उगी उंगी, उगी उगी, ग्यू ग्यू, उगी उगी। हाँ उगी हो, सॉरी उगी बोलते हैं इसको, बेल्ट को। हाँ ओके ओके। ये जो कपड़ा है, इस जो ऊपर जैकेट, उसे क्या बोलते हैं, हिम
गालो ललित बोलता है, गाल ललित बोलते हैं इसको, औरत का। और जो नीचे पहना है ये जो काले, ये गालो गाले। ओके ओके ओके। सो भाई यहाँ का अलग थोड़ा सा कपड़ा है, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ अब तक, वहाँ का अलग था, यहाँ का अलग है। मतलब हर एक ट्राइब का अपना अलग अलग कल्चरल कपड़ा होता है, तो काफ़ी अच्छा लगा यार, मतलब ऐसा परफॉर्मेंस देख के, और अलग चीज़ कुछ डिफरेंट। अच्छा भाई, थैंक यू सो मच। सो काफ़ी अच्छा लगा। हाँ हाँ, फोटो फोटो लेते हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा सोच रहे हैं फोटो ले लें, यहाँ थोड़ा मौसम साफ है ना, चलिए फोटो ले लेते हैं ग्रुप में। वापस आ गए हैं हेडमैन के घर पे। ये मुखिया हैं गांव के, गांव बूढ़े बोलते हैं, और इनकी चार बेटी है ना, आपकी चार बेटी हैं, एक बेटा है। सो ये उनका फोटो, आइए देखते हैं फोटो। ये आपकी बड़ी बेटी, ये सबसे बड़ी बेटी हैं, ये सेकंड वाली बेटी हैं, और ये तो ये हैं सर हैं और मैडम है ना, और ये दोनों, ये इस तरफ वाला, हाँ, ये थर्ड वाला है, ये थर्ड नंबर पे है। हाँ, और ये और दूसरा है। अच्छा, ओके ओके। लास्ट जो है, हाँ, ये वाला, ये आपका, ये आपके बेटे हैं, बेटी है, ये बेटी है, ये बेटा छोटा। अच्छा, ये इनकी छोटी वाली बेटी है, ये बेटा है। वाह, मस्त है, ये अच्छा लगा यार, इन्होंने होस्ट किया अपने घर पर। ये रूम भाई शानदार रूम दिया है मेरे को रहने के लिए, इसी में मैं रात में सोया था, और अब यहाँ से खाऊंगा फिर निकलूंगा आगे, देखते हैं कुछ प्लान बनाएंगे आगे का। जब राजीव गांधी और सोनिया गांधी यहाँ पे आए थे तो इन्होंने उनसे बात भी किया था, और बताया भी था कैसे कैसे घर बनता है। वाह यार, अच्छा है, मतलब उस टाइम पे आए थे, 1986 में आए थे यहाँ पे, 1986 जून 9 तारीख को। मतलब उस टाइम में इस जगह पे आना, जब मतलब उतना डेवलप भी नहीं था, ये रोड भी नहीं था, इतना डेवलप नहीं था उस टाइम पे, यहाँ पे आए थे वो लोग, और मतलब ऐसा दिखे थे कैसा कैसा लोग यहाँ पे रहते हैं। उस समय में इतना कम्युनिकेशन भी इतना ठीक नहीं था, तब भी वो आए थे दिल्ली से, यहाँ प्लेन से आया, प्लेन से आके यहाँ में। अगर यहाँ पे सुनामी का अभी बोल रहे हैं, सुनामी का डर नहीं है यहाँ पे, सुनामी का, बाढ़ का, तूफान का डर ही नहीं है। ऊपर है ना ये ऊँचाई पे, इसलिए ऊंचाई पे है ये घर। हाँ, ऊंचाई पे पहाड़ है, पहाड़ है, पहाड़ टूटेगा तो फिर वही मुश्किल तरह से। सही बात। ये लोग भी आदि की तरह मतलब डोनी पोलो को मानते हैं यहाँ पे। डोनी पोलो मतलब सूरज चांद, डोनी मतलब सूरज, पोलो मतलब चांद, तो ये लोग उनका पूजा करते हैं, मतलब ये लोग का भगवान वही है। यहाँ पे ना लोग पैसा कमाने के पीछे नहीं भागते हैं, लोग यहाँ पे देखते हैं खान पान ज़्यादा करते हैं, पैसा कमाने के पीछे नहीं भागते कि मुझे पैसा कमाना पैसा कमाना है, मतलब खाने पीने में ज़्यादा जानते हैं। नहीं, खाने पीने में ये सुबह और शाम खाना पीना के लिए इंतजाम करना चाहिए, हम लोग इतना ही काफ़ी है। बस पैसा कमाना, पैसा के लिए हम लोग इतना कातिर बातिर नहीं करते, लालची नहीं है, मतलब पैसा कमाना है पैसा कमाना है, ऐसा नहीं है। यहाँ में यहाँ का जो आदमी है जो इतना खास गरीब भी नहीं है, गरीब भी नहीं, इतना उम्र भी नहीं है, खुश है, जिंदगी कैसे खुश है। यहाँ पे इनका किचन गार्डन भी, इन लोगों ने अपना गार्डन बनाया है। यहाँ पे क्या क्या सब्जी, मतलब क्या क्या है सब्जी? यहाँ बैगन होता है, भिंडी होता है, लाई साग होता है, बैगन भिंडी और बहुत सारा यार। और ये जो सीम है ना, पेरेन, ये सब होता है, मकई होता है, मकई मकई भी होता है यहाँ पे, मकई भी होता है। क्या बात है भाई, यहाँ पे पूरा इन लोगों ने अपना खुद का किचन गार्डन खोल दिया है, यहीं से तोड़ते हैं, यहीं पे खाते हैं। पूरा ऑर्गेनिक भाई, पूरा ऑर्गेनिक, नो केमिकल। केमिकल था, केमिकल नहीं था ना, केमिकल नहीं था इसमें, नो केमिकल है, प्योर ऑर्गेनिक, इसलिए इन लोग ज़्यादा फिट रहते हैं भाई, बहुत लंबा जीते हैं। हम लोग यहाँ तो लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं जल्दी। यहाँ देखो प्योर ऑर्गेनिक है, एकदम ताज़ा ताज़ा, तुर के रखता भी नहीं है। हाँ, चाहे तो तुरके बनाता है भाई। अब टाइम आ गया है कुछ खाने का, कुछ खाना खाते हैं। यहाँ पे जो मैडम है खाना निकाल रही है हमारे लिए, और ये किचन है भाई, देख लो यार, आप पहले भी देख चुके होंगे ये किचन, और ये दाव, ये चाकू रहता है भाई, सही है, बढ़िया है। और ये बैठने का है, इसके मैं बैठूंगा। हाँ, यहाँ पे खाना है चावल, यहाँ चावल को चावल बोलते हैं ना, चावल को चावल ही बोलते हैं यहाँ पे, असीम बोलते चावल को यहाँ पे। सुबह ही हमारा से खाना है, नाश्ता है सॉरी, चावल और बॉयल्ड दाल, बढ़िया है। चलो यार खाते हैं अब।
बीन्स। सो भाई ये भिंडी की सब्जी है और ये अपना ये क्या है बॉयलर, ये बॉयलर है और ये दाल और ये चावल। सो भाई आज का खाना बहुत टेस्टी लग रहा है मेरे को यार, खाते हैं और टेस्ट करते हैं देखते हैं कैसा है। बढ़िया। सो भाई टाइम आ गया है निकलने का यहाँ से और यहाँ से लेते हैं विदा इस गांव से, और ये गांव बूढ़े हैं, हेडमैन हैं इस गांव के, तो चलते हैं अब। अच्छा लगा यहाँ आके और यहाँ का जो कल्चर था देखा मैंने, अच्छा लगा। मैं थैंक यू मैं चाहूँगा इनको, इनके वजह से बहुत कुछ जाना जो ट्राइब है गाल उनके बारे में। सो आप लोग भी कभी आए इधर आलू साइड तो इस गांव में ज़रूर आएँ। गांव का नाम भूल गया वैसे, काबू ना, काबू सॉरी। सो आप लोग जब भी यहाँ पे आएँ तो इस बस्ती में ज़रूर आएँ, काबू बस्ती जो कि आलोंग से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है, काबू बस्ती ज़रूर आएँ, ठीक है। सो बाय बाय। सो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्यार इस वीडियो को, प्यार दें, ठीक है।